नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। दो दिन पहले ही हमारे एयर चीफ मार्शल जो कि पुराने रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि चीन अपनी सेना में 1000 फाइटर जेट और शामिल करने जा रहा है, जिसमें से 300 वो ऑलरेडी कर चुका है। और ये फाइटर जेट कोई और नहीं, स्टेल्थ फाइटर जेट हैं जिसका भारत के पास कोई तोड़ नहीं है। साल 2035 तक वो इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 करने वाला है और भारत के पास इसकी अभी संख्या जीरो है। भारत के पास ऑप्शन दो खुले हुए हैं, एक रूस का SU-57 है और दूसरा अमेरिका का F-35 है। अमेरिका का F-35A जो है, इसका ब्लॉक 4 वर्जन भारत के लिए अभी दिया गया है, भारत को ऑफ़र किया गया है। ये ब्लॉक 4 वर्जन क्या होता है, इसमें कई सारी एडवांसमेंट होती है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एडवांसमेंट होती रहती हैं। ब्लॉक 4 वर्जन जो है, इस अभी तक का F-35 का लेटेस्ट वर्जन है, इसमें 74 तक अपडेशन की गई हैं। ये बड़े बड़े परमाणु हथियार भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। साथ ही साथ इसे रूस का जो S-500 है उसको भी देखते हुए बनाया गया है, कई सारी एडवांसमेंट उसको देखते हुए की गई हैं। दुश्मन देश पर बहुत ही घातक तरीके से हमला कर सकता है, भारत के लिए ये बेस्ट हो सकता है चीन को काउंटर करने के लिए। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना रहेगा कि हमें अभी SU-57 की ओर जाना चाहिए या F-35A की तरफ जाना चाहिए, ये डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपका क्या निर्णय रहेगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।